हिसार पुलिस ने पकड़ा चोर गिरोह, 12 मोटरसाइकिल बरामद। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब चलते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। हिसार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिसार पुलिस की CIA टीम ने हिसार के अलग अलग एरिया से मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 आरोपियों को धर दबोचा है, साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले 3 युवकों को भी काबू किया है। पुलिस ने इस गिरोह से चोरीशुदा 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस गिरोह का खुलासा बुधवार को हिसार में DSP कप्तान सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा। DSP ने बताया, थाना शहर हिसार में न्योली कला निवासी जयवीर ने अपने सेक्टर 14 हिसार स्थित कंपनी के ऑफिस के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने के बारे में शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए CIA हिसार पुलिस की टीम ने निरीक्षक प्रहलाद राय के नेतृत्व में सौरव व प्रदीप को गिरफ्तार कर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अभियोग में जांच के दौरान सामने आया कि उपरोक्त आरोपियों ने हिसार में अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की अनेक वारदातें की हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों से चोरीशुदा 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। साथ ही पुलिस टीम द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों में थाना सिविल लाइन के क्षेत्र टाउन पार्क हिसार, जवाहर नगर हिसार गली नंबर 8 व थाना शहर हिसार के अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कबूली है। DSP ने बताया कि सौरभ पढ़ाई के साथ एयरफोर्स की कोचिंग ले रहा है और प्रदीप पढ़ाई के साथ मावी स्टेडियम में कुश्ती के खेल की प्रैक्टिस करता है और दोनों ऋषि नगर हिसार में PG में रहते हैं। एक दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर सुरेश, मोहित और सुमित को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर इनसे चोरीशुदा 4 मोटरसाइकिल और बरामद की है। CIA पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियोग में जाँच के दौरान अब तक थाना शहर हिसार व थाना सिविल लाइन हिसार के 5 अभियोगों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किए जा चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं DSP का इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहना है। किया गया कि सुदेश के साथ किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश अनुसार हमारे CIA स्टाफ हिसार द्वारा एक बाइक चोर गिरोह को काबू किया गया है। उनसे 12 बाइक बरामद की गई है। इस गिरोह के मेन जो मुखिया है सचिन, सौरभ और प्रदीप गांव गरवा जिला भिवानी के रहने वाले हैं। सचिन है ये प्लस टू करने के बाद कंप्यूटर की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा था और सौरभ है ये प्लस टू के बाद एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था और प्रदीप प्लस टू करने के बाद अभी मारवी स्टेडियम में पहलवानी की करता था। तीनों ऋषि नगर में PG में रहते थे और करीब 2 माह पहले इन तीनों ने मिलकर बस अड्डे के पास से एक बाइक चोरी की थी और उसका नंबर चेंज करके उसको चलाते रहे और उसके बाद इनको बाइक चोरी करने की लत लगी और इस तरह से करके इन तीनों ने मिलकर करीब 20 बाइक चोरी की हैं और चोरी करके अलग अलग स्थानों में बेचते रहे। इसमें सौरभ और प्रदीप दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। इतने बाइक पकड़ ली गई हैं सर? अब इनसे 12 बाइक बरामद हो चुकी हैं और अभी करीब 7-8 बाइक हैं जो सचिन है उसकी गिरफ्तारी बकाया है, उसको बरामद गिरफ्तार के बरामद किया जाएगा। इसके अलावा 3 लड़के सुरेश, सुमित और मोहित जिन्होंने जो इनसे बाइकें खरीदते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। क्या उन लड़कों को भी पकड़ने की कोशिश होगी जिनको बाइक बेची गई है आगे? हाँ, उसमें 3 लड़के सुरेश, सुमित और मोहित को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके अलावा जो भी इसमें बाइक चोरी की बाइक को खरीदने मिलेगा उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर हम लोग हिसार की बात करें तो हिसार में आए दिन इस तरह के मामले निकल कर सामने आते हैं कि कहीं से स्कूटी उठ जाती है, कहीं से बाइक उठ जाती है, तो सर क्या इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है या फिर किसी और की कमी मानते हैं आप? इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है, समय समय पर आपने देखा होगा कई बार गेम पकड़े जाते हैं, लग रहे हैं और इनकी धरपकड़ अभी जारी है। नई उम्र का बच्चा सर जो पुलिस के अंदर जाता है, एयरफोर्स की तैयारी करता है, तो इस लाइन के अंदर आ गया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, क्योंकि उनका फ्यूचर ही खराब हो चुका है? अब सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो जो कोई भी गैर कानून काम ना करें ताकि उनका भविष्य हो खराब ना हो और घर वालों ने जिस काम के लिए उनको भेजा हुआ है उस पर खरा उतरेंगे।
सर जितनी भी चोरियां होती हैं लगभग सभी इसी उम्र के बच्चे होते हैं, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, तो क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका जो मेंटल लेवल है वो इस तरह से गिर चुका है कि वो अपने करियर की बजाय सीधा चोरी और डकैती और इन चीजों की तरफ चल पड़े? आजकल के युवा है जो जिन्होंने कुछ गलत लतें लगा ली है अपने आप को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, वो घर से उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता इस वजह से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।